नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान का यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज 16 नवंबर 2020 है और आज की लेटेस्ट न्यूज, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम दो दो बनाए जा रहे हैं और सुशील मोदी जी का जो दर्द छलका है, उन्होंने ट्वीट करके कहा, कोई हमें बीजेपी कार्यकर्ता से तो नहीं हटा सकता ना। कहने का तात्पर्य है, वह हमेशा डिप्टी सीएम बने रहना चाहते थे, थोड़ी सी तकलीफ है, एक दर्द है। उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल से हम पार्टी की सेवा में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। रही बात ये, राजनीतिक महकमे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी दर्द बयान कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, आप भी हमें किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं देते हैं। आप हमारा चैनल सर्च करके नहीं देखते हैं। जब आपके सामने वीडियो आ जाता है, YouTube की मेहरबानी हो जाती है, वो रिकमेंड कर देता है मेरी वीडियो को आपके सामने, तो आप जो है क्लिक मारकर देख लेते हैं। और यही बहुजन समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। बहुजन समाज पार्टी आज इतनी पीछे क्यों चली गई, जो कि सत्ता में थी, उत्तर प्रदेश के शासन में थी, 5 साल शासन किया, क्योंकि आप सामने वाले को देखते हैं, खोजकर नहीं देखते हैं, अपनों को खोजते नहीं, पहचानते नहीं। अगर कोई सामने आ जाए, आपकी तरह बात करे, तो आप उसका सुनने लग जाते हैं। आपको नहीं पता होता है कि बहुजन समाज एक बहुत बड़ा विशाल समाज है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रमुखता देनी चाहिए, ऐसा आप नहीं करते हैं। ये बहुत सारे जो है लोग इसकी शिकायतें करते हैं, सबके पास ये दर्द है। और रही बात ये, जब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी से पूछा गया कि ये जो शिवानंद तिवारी जी का बयान है कांग्रेस पे, वो हमला कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, महागठबंधन सबके सब एक है। और रही बात यह, जब उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ली गई कि बहुजन समाज पार्टी बहुत सारी जो है बदलाव कर रही है, तो बहुत सारे लोग ईवीएम का जो है शोर मचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम जिसे आप कहते हैं, यह लाया गया था पार्लियामेंट में बहुमत पास करवाकर, एक कानून बनाकर लाया गया था। तो जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में सभी दल के नेता जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक बहुमत से कानून पास नहीं करेंगे, तो ईवीएम पे बैन कैसे लगेगा। केवल सड़क पर और समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए ईवीएम का शोर मचाया जाए। सोशल मीडिया पर ईवीएम के विरुद्ध बोली जाती है, लोग उसका मुहिम चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि हमारे जितने भी नियमानिगार हैं, जो सांसद हैं, जो चुनकर जाते हैं, और तो और जो आपको 131 सांसद हैं जो SC ST के रिजर्व कोटे से जाते हैं, ये वे भी महसूस करते होंगे, परंतु जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे, ईवीएम पर बैन कैसे लगेगा। और रही बात ये, पूरे देश में बहुजन समाज जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज सबके सब परेशानी में होते हैं, सरकार उसे इग्नोर करती है, लेकिन जितने भी बहुजन चैनल चलते हैं, क्या उनको सपोर्ट मिलता है बहुजन समाज? सपोर्ट का मतलब क्या, आप देखते हैं उसे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं YouTube चैनल पे भी हूं, डेली हंट पे भी हूं, फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, लेकिन क्या लोग हमें खोजकर देखते हैं? अगर आपके सामने मेरा कोई पोस्ट अथवा कोई न्यूज रिकमेंड करके आ गया, तब आप देख लेते हैं। तो आप ही बताएं कि YouTube की मेहरबानी हुई, सोशल मीडिया की मेहरबानी हुई, या आपकी, क्या आप समर्थन कर रहे हैं? सामने आ गया, आपके के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लग गया, तो आप देख लेते हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, ये उनकी दर्द है, वो सबके सब आपस में बात करते हैं, कहते हैं समाज कहीं कहीं से सहयोग नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता।
और इस तरह से अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठे, समाज में नई जागरूकता पैदा हो, तो आपको सर्च करके खोजना होगा और जुड़ना होगा चैनल से, चैनल को सपोर्ट करना होगा, पीठ ठोकना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर करते हैं, जब आपकी न्यूज कवर नहीं होती है तो आप बोलते हैं बायकॉट करो, ये अपना चैनल नहीं है, इसने हमें कवर नहीं किया। लेकिन वही दर्द तो चैनल वाले के पास भी है जब आप खोजकर उन्हें नहीं देखते, और इस तरह से वह नई नई कंटेंट की तलाश में लगा रहता है। उसको इस बात की तलाश होती है कि आखिर हम क्या करें, कौन सा न्यूज लेकर आए जो हमारा एक दर्शक का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो हमें देखे, और इस तरह से परेशान होते हैं। रही बात ये, घटनाएं बदलती रहती है, हो सकता है कि घटनाएं आपके पक्ष में हो सकता है घटनाएं आपके विपक्ष हो। जो न्यूज बनकर आएगी न्यूज चैनल तो वही दिखाएगा। फिर हम आपको मिलते हैं एक अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।